वो गौतम बुद्ध हो, ओशो हो या आज के रणवीर अलावादिया, सबने अपनी जिंदगी में मेडिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन क्या मेडिटेशन आपको सच में पावरफुल बना देता है या ये सिर्फ कहने की बात है? जानेंगे इस वीडियो में। मेडिटेशन, अगर मैं आपसे कहूं कि अपने पास्ट और फ्यूचर को भुलाने का और प्रेजेंट को फुल्ली एंजॉय करने का बहुत प्यारा सा सोल्यूशन है, और वो है मेडिटेशन। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, इसकी डेफिनेशंस भी काफी अवेलेबल है, लेकिन इसका बेसिक मतलब ये है कि मेडिटेशन आपको काम फील कराता है और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया प्रोवाइड कराता है। लेकिन मेडिटेशन की शुरुआत हुई कैसे? मेडिटेशन की हिस्ट्री क्लियर तो नहीं है, लेकिन हिंदू शास्त्रों में मेडिटेशन का जिक्र जरूर हुआ है। पूरी गारंटी के साथ ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली दुनिया में सबसे पहले मेडिटेशन किया किसने था। ये सवाल बिल्कुल वैसा है जैसे मुर्गा पहले आया या अंडा। कुछ हिस्टोरियंस की मानी जाए तो चाइना और भारत में 500 BC के आसपास मेडिटेशन के बारे में और चर्चा होने लगी थी विद द डेवलपमेंट ऑफ ताओइज्म एंड बुद्धिज्म। इन्हीं ट्रेडिशंस ने कुछ टेक्निक्स निकाली थी जैसे ध्यान, विपासना और ज़ेन, जो सिटिंग मेडिटेशन के नाम से भी जानी जाती है, और फिर यही टेक्निक पूरे भारत में फैली। चलो ये तो बात हुई मेडिटेशन की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन मेडिटेशन से होता क्या है? मेडिटेशन आपको जीने का एक नया नजरिया देता है। ऐसा होता है ना कि जब आप पास्ट के बारे में सोचते हो तो आपको रिग्रेट होने लगता है, और वही जब आप फ्यूचर के बारे में सोच के चिंता करने लगते हो तो आपको एंजाइटी होने लगती है। बस यही गैप मेडिटेशन फिल करता है। मेडिटेशन आपके पास्ट और फ्यूचर के हाथ छोड़ के प्रेजेंट में जीना सिखाता है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि मेडिटेशन कैन ऑल्सो एक्टिवेट योर चक्रास? अब आप सोच रहे होंगे कि चक्रास क्या होता है। सदगुरु ने चक्रास को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। हमारी बॉडी में 114 एनर्जी पॉइंट्स होती है, जिसमें से 7 आधा मेजर वंस, और जिनका नाम है मूलधारा, स्वाधिष्ठाना, मणिपुरका, अनहता, विशुद्धि, अग्ना और सहस्राना। अब अगर चक्र की बात की जाए तो हर चक्र में कुछ एनर्जी डोमिनेंट होती है, जिसके वजह से आपके अंदर कुछ क्वालिटीज आती है। जैसे मूलधारा की एनर्जी डोमिनेंट होने के कारण आपके अंदर फूड एंड स्लीपिंग क्वालिटीज ज्यादा होंगी। अब अगर वही स्वादिष्ठाना की एनर्जी डोमिनेंट होगी तो यू विल बी समवन हु एंजॉयज द वर्ल्ड। इसी तरह से सारे चक्र डिफाइन किए गए हैं। सोचो आप कितने पावरफुल हो जाओगे जब आपके दूसरे चक्र भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि मेडिटेशन से ये पॉसिबल है। पर मेडिटेशन करते कैसे हैं? बताती हूँ। वैसे तो मेडिटेशन करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 5 मेजर वेज ऑफ डूइंग मेडिटेशन। पहला है माइंडफुल मेडिटेशन। ये उन लोगों के लिए बेस्ट टेक्निक है जो बिना किसी टीचर के अकेले मेडिटेट करते हैं। इन दिस टेक्निक यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट्स, मतलब थॉट्स में इन्वॉल्व नहीं होना है और ना ही रिश्तेदारों की तरह उन्हें जज करना है। थॉट्स को आते हुए और जाते हुए ऑब्जर्व करना है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पहले मुझे लगता था कि मेडिटेशन का मतलब होता है फोकसिंग ऑन गुड थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो भागो। फिर मेरे एक दोस्त ने बताया, हु वाज प्रैक्टिसिंग योगा एट दैट टाइम, कि मेडिटेशन का मतलब होता है फोकस। ख्याल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आने दो, भागो मत, लेट देम टेक देयर टाइम। वही होता है माइंडफुल मेडिटेशन। एंड नेक्स्ट इज फोकस मेडिटेशन। इसमें आप फोकस करते हैं अपनी ब्रीदिंग पर। अगर आप चाहे तो कुछ एक्सटर्नल चीजों पर भी आप फोकस कर सकते हैं, जैसे माला जपना या स्टेरिंग एट अ कैंडल फ्लेम, और इवन अपनी सांसें भी आप गिन सकते हैं। इस प्रैक्टिस में ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत से ख्याल हैं, पर आपको उसको खींच कर वापस लाना है और रीफोकस करना है। ये एक्चुअली मेरा भी तरीका है। तीसरा है मूवमेंट मेडिटेशन। ये काफी सिंपल टेक्निक है जिसमें आप चलकर या इवन गार्डनिंग करके मेडिटेट कर सकते हैं। ये टेक्निक उनके लिए बेस्ट है हु फाइंड पीस इन एक्शंस। यहीं से मुझे याद आता है ओशो के बारे में, हु प्रैक्टिस टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन, जिसमें वो डांसिंग, चिल्लाना और इवन सेक्सुअल एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व करते थे। अगला तरीका है मंत्र मेडिटेशन। इस टेक्निक में हम रिपीटेटिव साउंड का यूज करते हैं अपने दिमाग को फोकस करने में। अब ये एक फ्रेज भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है, और इवन अ साउंड भी हो सकती है। इस टेक्निक में लोग मोस्ट कॉमनली ओम का जाप करते हैं या मंत्र भी, जैसे मेरे लिए हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये वर्क करता है। अब हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के बारे में। इस टेक्निक में आप विजुअलाइज करते हो कुछ ऐसी चीजों को जो आपको काम और रिलैक्स फील कराती है, या वो गोल्स जो आप अचीव करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी विजुअलाइज कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं,
और इस टेक्निक को हम मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं। तो ये थी कुछ टेक्निक्स जिनके साथ आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। अगर बात की जाए मेडिटेशन के मिस्टीरियस इफेक्ट्स के बारे में, तो लोगों का कहना ये है कि मेडिटेशन ने उनकी इंट्यूशन और गट फीलिंग को काफी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। वो लोग जो एडवांस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने ये तक क्लेम किया है कि विद टाइम दे हैव एक्सपेंडेड देयर परसेप्शन बियॉन्ड द 5 सेंसेस। तो ये थे कुछ मिस्टीरियस इफेक्ट्स जो आप मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हुए फील कर सकते हैं। याद रहे कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। सिर्फ एक बार मेडिटेशन करने से आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, आपको थोड़े पेशेंस और कंसिस्टेंटली मेडिटेट करना होगा, तभी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मेडिटेशन वर्थ इट है या नहीं? अगर ये सवाल है तो हाँ, मेडिटेशन इज वर्थ इट। मैंने अपनी खुद की लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस फील करे हैं आफ्टर आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग। लेकिन ये चेंजेस आपको एक बार मेडिटेशन करने से नहीं पता चलेंगे, इट टेक्स टाइम। कंसिस्टेंटली मेडिटेट करने से आपको खुद को फील होगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं। आप फोकस्ड हो जाओगे और एक्टिव हो जाओगे, और इतना ही नहीं, आप अपने गोल्स के करीब पहुंच जाओगे। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड थैंक मी लेटर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी हो। If yes, then don't forget to like, share and comment. मिलते हैं अगली वीडियो में। Bye bye जी।